So yeah, welcome to this another episode with me, Ashi, where we talk about colleges and universities abroad. And I think it's been long, you know, you haven't seen my videos on the platform. And this is one of the videos which is being requested by a lot of students that is the cheapest universities in USA. I think again, top preferred destinations, abroad education. तो यू एस जो है वो हमेशा मोस्ट प्रफ़र्ड डेस्टिनेशन होती है बट वो लीस्ट प्रफ़र्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस बजट इश्यू बिकॉज यू नो काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी एक्सपेंसिव है तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स का जिनकी बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे यू एस ए में कहीं ना कहीं जाना है अपना एजुकेशन करना है पर मैं ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो हम उन्हें डिस्कस द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज दैट मीन्स चीपस मीन्स जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कम है और ज़्यादातर कम्युनिटी कॉलेज हैं राइट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की जगह जिनकी फ़ीस यूनिवर्सिटी से कम होती है तो हम जानेंगे कौन सी ऐसे कॉलेजेस कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं कम बजट में अगर आपकी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन यू एस ए है सिल्स के फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट यूनिवर्सिटी फर्स्ट कॉलेज दैट इज सेंट मैथ्यू कॉलेज ऑफ सिलीकॉन वैली राइट अब सिलिकॉन वैली सुन के आप सोच रहे हो गया बहुत सारे कॉर्पोरेट बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड ऑल दीज थिंग्स तो अगर हम इस कॉलेज की बात करें एटीन नाइनटी फोर का स्टैब्लिश कॉलेज है ये पब्लिक कॉलेज है सेंट मेथ्यू यूएसए में लोकेटेड है सिक्सटीन पोजिशन पे आता है बेस्ट कम्युनिटी कॉलेज के अंदर मैन इट कम्स टू कैलिफोर्निया एक्सेप्टेंस रेट हंड्रेड परसेंट है मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका हो जाएगा बिकॉज ऑल दीज कॉलेजेस जो है वो थोड़ा सा ग्लोबल रैंकिंग में उतना ज्यादा नोन नहीं है दैट इज द रीजन ऑल्सो कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम प्रीफर करते हैं बट अगर आप स्टेट लेवल वाइज देखोगे तो ये कम्युनिटी कॉलेज जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं और एवरेज जो फीस है दैट इज सेवन थाउजेंड सेवन फोर्टी फोर यू एस डॉलर्स पर एन एम सो दैट इज द फीस स्ट्रक्चर एंड दैट वॉज द फर्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट Moving to the second college in the list is California State University. Talking about California State University, 1857 ki established university. Hai. Public university ki category in California, USA mein located. 90% acceptance rate. Hai. That means out of 100 applications, 90 students are able to make it. Average fees is 8,320 US dollars. Hai. Then, with this, moving to the third university again, they have. क्वाइट डिफिकल्ट नेम सो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो यू कैन जस्ट ट्राई इन एंड जस्ट सो दर्ड कॉलेज विच आई है कॉलेज टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉलेज

प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं बिकॉज आई थिंक यूजुअली अगर हम अब्रॉड में देखें तो ज्यादातर तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंसल्टेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और होता क्या है कि हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ही मिल पाती है इंडिया में क्या है लेट्स से आपने पुणे मुंबई दिल्ली में कोई कॉलेज देखा यू नॉट एबल टू गेट दी प्रॉपर यू नो इन्फॉर्मेशन आप लिंग पे स्टूडेंट से बात कर लोगे आप चले जाओगे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैं जो ऑनलाइन देख रहा था और जो इन रियल है दोनों में बहुत डिफरेंस है बट अब्रॉड में आप पूरा प्रोसेस कर लेते हो आप चले जाते हो आपने फीस पे कर दी एंड देन अगर आपको लगा यार आई एम नॉट जस्ट गेटिंग द वाइव तो यू आर नॉट एबल टू कम बैक कुछ स्टूडेंट्स आ भी जाते हैं बट it's just not so easy so making this thing very sure choosing a right college as per your profile is something which plays a very important role and if you need any help in terms of that do not forget to fill the form which is there in the description box now we have हेल्स बोरोग कम्युनिटी कॉलेज आप आपसे जैसे मैंने शुरू में किया था ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज की जगह कम्युनिटी कॉलेजेज एंड दैट इज़ द रीज़न इनकी जो फीस है वो काफ़ी कम है 1968 का स्टैब्लिश पब्लिक कैटेगरी में है फ्लोरिडा में यूएसए में लोकेटेड है 732 पोजीशन पे आता है यूएसए एस में एक और है रैंकिंग की वजह से हो सकता है स्टूडेंट्स का हम करते हो एक्सेप्टेंस रे हंड्रेड परसेंट है एंड एवरेज फीस जो है वो नाइन थाउजेंड वन 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 यू एस डॉलर्स है मूविंग जब द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज़ सोनोमा स्टेट यूनिवर्सिटी टॉकिंग बात सोनोमा स्टेट यूनिवर्सिटी नाइनटीन सिक्सटी वन की स्टैब यूनिवर्सिटी है पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में है थोड़ी फिफ्ट आउट ऑफ वन टी रीजनल यूनिवर्सिटीज़ वेस्ट में आती है नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन परसेंट का एक्सेप्टेंस रेट है एवरेज फीस नाइन वन फाइव एट यू एस डॉलर्स है आई मीन ऑल दीज कॉलेज वी आर डिस्कसिंग बट आपकी प्रोफाइल आपके बजट आपकी लोकेशन के हिसाब से चीज़ें वेरी कर सकते हैं देन वी हैव शोर लाइन कम्युनिटी कॉलेज टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक थार में इट्स पब्लिक कॉलेज हंड्रेड परसेंट एक्सेप्टेंस रेट है अमंग टॉप ट्वेंटी कम्युनिटी कॉलेज के अंदर आता है एवरेज फीस जो है नाइन फाइव वन सिक्स पर एन एम है इन टर्म्स ऑफ यू एस डॉलर विद दिसमेंट कॉलेज अरकान सा स्टेट यूनिवर्सिटी इंड टॉक अबाउट अरकान सा स्टेट यूनिवर्सिटी नाइनटीन जीरो नाइन की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है यह पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है 317 पोजीशन पे आती है व्हेन इट इट कम्स टू टू यूएसए 63 hai, 63 का एक्सेप्टेंस रेट है दैट मींस आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर एबल मेक एवरेज फीस जो है वो 9970 पर एनम स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पड़ती है देन मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज व्हिच इज साउथ ईस्ट मिसोरी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी 1873 की स्टेबलिश यूनिवर्सिटी है ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में है बेस्ट कॉलेज इज रीजनल यूनिवर्सिटी मिडवेस्ट में #89 पोजीशन पे आता है 77% का एक्सेप्टेंस रेट है दैट मींस आउट ऑफ 100 एप्लीकेशंस 77 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट देखो आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे कई सारे मतलब आई थिंक आई मीन सो फार सिंस आई मेकिंग वीडियोज़ आई सीन फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे हंड्रेड परसेंट एक्सेप्टेंस रेट रहा है बिकॉज अभी तक हम जितने भी कॉलेजेस डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे इट्स लाइक टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट सेवन परसेंट तो मतलब आई एन आई थिंक टेकिंग एडमिशन बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और उसका रीजन क्या है कि हम जितने भी कॉलेज देख रहे हैं वो कम्युनिटी कॉलेज है दूसरा इनका थोड़ा सा नेशनल लेवल पर रैंकिंग भी जो है वो नहीं है राइट कम्युनिटी लेवल पे स्टेट लेवल पे दे आर रैंकिंग बट वेन इट कम्स टू ग्लोबल लेवल एंड दट इज ऑल्सो वन ऑफ़ द रीजनस की वो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनका इजिली हो जाता है एवरेज फीस की बात

राइट बेस्ट कॉलेज इन रीजनल यूनिवर्सिटी मेट बेस्ट हैश टैग एटी टू पोजिशन पे आता है एक्सेप्टेंस रेट जो है वो सेवेंटी परसेंट का है और एवरेज फीस जो है वो टेन थाउजेंड एटी यू एस डॉलर कहीं ना कहीं पड़ती है राइट सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस प्रोवाइडेड इन दिस्यूनिटीवली चीपर टू यूनिवर्सिटी सो आई थिंकट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड डू ले नो यर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो वट एल्स टू सी मैं And for videos. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.